तो दोस्तों ये रहा ओल्ड जेंट्स कुर्ता, जिसको हम प्लेट्स वाला ओल्ड जेंट्स कुर्ता कहते हैं। तो इसका गोल दामन होता है, तो इस पर पीछे से भी डबल प्लेट्स होती है और आगे भी प्लेट्स होती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं प्लेट्स वाले कुर्ते की प्लेकेट पट्टी कैसे बनाएं, जो काज वाली पट्टी होती है, जो बटन वाली पट्टी होती है, जो आम कुर्ता होता है उसके हिसाब से इसकी प्लेकेट पट्टी थोड़ी अलग तरीके से बनाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान तरीका बता दिया है। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए अब हम इसकी पट्टी बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसकी जो पट्टी की कटिंग की जाएगी। तो ये फ्रंट सामना है इसका, इस सामने पर हमको कितने नीचे पर जाके कट लगाना है और किस साइड में कटिंग करना है, तो वो जान लेते हैं। इसके लिए हमने जो मार्किंग की है, तो ये कुर्ते की उल्टी साइड होती है और अंदर सीधी साइड होती है। तो देखिए हमने कुर्ते को सीधा रख लिया है, इस पर जो हमने मार्किंग की थी वो नीचे जा चुकी है, यानी जो निशान लगाए थे वो नीचे हैं और कुर्ते की सीधी साइड ऊपर है और ये इसका बीच सेंटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके कट की गहराई कितनी रखनी है, कितना गहरा नीचे के लिए कटिंग करना है। तो हमने इस साइड में, राइट साइड में, ठीक है, जो हमारा राइट हैंड है, इस साइड में यहाँ से इंची टेप रखना है। ये जो इसकी गोलाई है, राउंड शेप है, यहाँ से निशान लगाएंगे। तो बड़े कुर्ते के लिए हम लगाएंगे तकरीबन 12 इंच, जो नॉर्मल साइज़ का जो कुर्ता होता है तो उस पर हम एक 12 इंच का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा निशान लगाऊंगा, पर आपको 12 इंच का निशान लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक कटिंग करनी है। अब हमको ये जानना है किस दिशा में, किस साइड में कटिंग करनी है। ये जो हमारा राइट हैंड होता है, जो हमारा सीधा हाथ होता है, इस साइड में कटिंग करना है। तो देखिए कितना कटिंग करना है। तो देखिए ये जो मार्जिन दिख रहा है, इस मार्जिन से एक पैर अंदर को हटाएंगे, ये देखें इस तरीके से, यानी आधा इंच में एक सूत कम। और इस तरीके से हम यहाँ से सीधा कट करते हुए ले जाएंगे यहाँ तक। तो आप चाहें तो इस तरीके से निशान भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो कुर्ता सीधा रखा है और हमने राइट साइड में, यानी जिधर मशीन का बूट है, इस साइड में इस कपड़े से एक पैर अंदर के लिए कटिंग करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कटिंग करते हुए चले जाएंगे बिल्कुल सीधा, ये देखें। अब क्या करेंगे, अब हम कुर्ते को इस तरीके से घुमाएंगे, ये देखें ते हैं, ये जो पतली वाली साइड है तो ये बटन वाली पट्टी हो गई, और ये चौड़ी वाली साइड है तो ये काज वाली पट्टी है। तो अब पट्टियों के बारे में जान लेते हैं। तो पहले इन दोनों पट्टियों की लंबाई जान लेते हैं, हमने दो पट्टियां ले लेनी है। तो इन दोनों पट्टियों की चौड़ाई में थोड़ा फ़र्क है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लंबाई सेम रख देनी है आपको। तो लंबाई कितनी रखनी है, आपने यहाँ से यहाँ तक जितना कट लगाया है उसके हिसाब से इन पट्टियों की लंबाई तकरीबन 2 इंच ज़्यादा रखनी है। इस तरीके से देख सकती हैं आप, ये देखें। तो इस कट के हिसाब से हमने इन पट्टियों की लंबाई 2 इंच ज़्यादा रख ली है। तो सबसे पहले हम पतली वाली पट्टी लेंगे, अब इसकी हम चौड़ाई जान लेते हैं। तो इस बटन वाली पट्टी की चौड़ाई है 1.25 इंच और ये चौड़ी वाली पट्टी है, ये काज वाली साइड में लगेगी, तो इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच। तो पहले हम बटन वाली 1.25 इंच चौड़ी वाली पट्टी को एक पैर का मोड़ लेते हैं इस तरीके से, ये देखें। इस तरीके से हमने एक पैर का मोड़ लेना है इसको। अब हमने कुर्ता ले लेना है, कुर्ते की फ्रंट साइड लेनी है। तो कुर्ते की सीधी साइड ऊपर है और उल्टी साइड नीचे है, और इस पट्टी का जो हमने मार्जिन मोड़ा है इसको भी हमको ऊपर रखना है, और इस तरीके से रखेंगे हम। हमने ये जो कट लगाया है, इस कट से 1/2 इंच नीचे को रखनी है पट्टी, ठीक है। ऊपर चाहे जितनी भी ज़्यादा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हम बाद में कट कर देंगे उसको। तो देखें इस तरीके से हमने यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाते हुए ले आना है। ये जो हालत की गुलाई है, यहाँ से थोड़ी ऊपर इस तरीके से सिलाई शुरू करेंगे यहाँ पर हम। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम पट्टी को उठाएंगे इस तरीके से यहाँ से, और कुर्ते वाले कपड़े पर एक कट लगाएंगे इस तरीके से, थोड़ा तिरछा कट लगाएंगे जहाँ तक सिलाई लगी है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पट्टी को हम इस तरीके से बिल्कुल बराबर से अंदर को पलट देंगे, और यहाँ से हम किनार की सिलाई लगाते हुए लाएंगे इस तरीके से इस पट्टी के ऊपर, और उसके बाद हम दूसरी सिलाई घुमाकर ऊपर को ले जाएंगे। देखिए उससे पहले क्या करना होगा, ये जो मार्जिन जो दबाव दिख रहा है इसको इधर करते हुए हमने पहले एक नाखून लगा लेना है इस पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल बराबर से मोड़ देंगे। ये पट्टी हम बड़वा नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो दूसरा कुर्ता होता है उस पर हम एक्स्ट्रा थोड़ी बढ़ाकर रखते हैं, इस पर बिल्कुल बराबर से रखा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, कुर्ते पर किनार की सिलाई चलाएंगे बिल्कुल। ये देखें यहाँ पर लाकर हम इस तरीके से मोड़ेंगे इसको, यहाँ भी हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, बटन वाली पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है, रेडी है। इधर से भी आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड बिल्कुल फोल्ड हो गई है। तो कुछ लोग किनारे वाली पट्टी लगाते हैं यहाँ पर, कपड़े का किनारा होता है, पर वो पट्टी सही नहीं रहती है, क्योंकि किनारे की वजह से कपड़ा थोड़ा सा इस तरीके से खिंचाव में आता है। तो आप बिना किनारे वाली इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे। अब हम लगाएंगे काज वाली पट्टी।
तो हम इस तरीके से रखेंगे इसको। हमने कुर्ते को सीधा ही रखना है और उल्टी साइड नीचे रखनी है। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं पेस्टिंग लगाकर ये वाली प्लैकेट पट्टी कैसे बनाई जाती है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो उस पर थोड़ा प्रेस का काम होता है। तो यहाँ पर हम अंदर वाली साइड से उस पर पेस्टिंग पट्टी लगाते हैं, उसके बाद वो पट्टी बनाई जाती है। पर ये बिना पेस्टिंग वाली है, कपड़े वाली पट्टी है, तो ये भी बहुत ही आसान और सिंपल है। तो पहले आप इसको सीख लीजिए, बाद में आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। हमने ये 1.25 इंच चौड़ी वाली पट्टी रख ली है इस तरीके से, और यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है ये जो कट लगा है, और यहाँ से हम नीचे से एक पैर की सिलाई लगाते हुए लाएंगे। आप चाहें तो ये सिलाई ऊपर से लगाकर भी ले जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इस तरीके से 2 सूत पट्टी को कम कर देते हैं इस तरीके से। तो आपको देख लेना है कुर्ते पर जो ये वाली किनार है, इस किनार के हिसाब से पट्टी की किनार इससे आगे नहीं आनी चाहिए। तो देख सकते हैं कुर्ते की पट्टी की किनार थोड़ी बड़ी है और ऊपर वाली पट्टी की किनार थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर आप 1 या 2 सूत कम करके रखें इस पट्टी की चौड़ाई। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम कट लगाएंगे कुर्ते वाले कपड़े पर, तिरछा कट लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर नाखून लगाएंगे इस कपड़े पर। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस कपड़े को इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे। ये देखें, अंदर फोल्ड करने के बाद यहाँ भी हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई आप चाहें ऊपर से लगा कर भी ले जा सकते हैं, आप चाहें तो नीचे से भी लगा कर ला सकते हैं। तो मैं नीचे से सिलाई लगा कर ले जाता हूँ, ये जहाँ से कट लगाया था यहीं से हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो हमने काज वाली पट्टी को इस तरीके से अंदर मोड़ दिया है, ये देखें इस तरीके से ये पट्टी मुड़कर आई है। तो अब हम कुर्ते की उल्टी साइड में चलते हैं इस तरीके से। देखिए अब हम कुर्ते की उल्टी साइड में आ चुके हैं, अब क्या करेंगे, तो जहाँ से हमने हालर की गोलाई शुरू की है यहीं से इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। ये देखें इस तरीके से मोड़ने के बाद, ये देखें इस तरीके से आती हैं। अब आपको ध्यान से समझना होगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम 20 सेंटर में कच्ची सिलाई चलाएंगे, यानी लंबी सिलाई चलाएंगे। तो जैसे कि हम लेडीज सूट की तुरपाई के लिए कच्चा चलाते हैं, उसी तरीके से हमको कच्ची सिलाई चलानी है, और काज बटन करने के बाद ये सिलाई हमको हटा देनी है। तो देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर कच्चा डालेंगे। तो अब आपको ये ध्यान देना है, जितनी चौड़ी पट्टी यहाँ पर है तो नीचे एंड तक आपको इतनी चौड़ी ही पट्टी बनाते हुए ले आना है। तो आप चाहें इस तरीके से नाप कर भी देख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ भी आप नापते हुए ले आएंगे। ये देखें, तो देखिए अब हम यहाँ पर आ चुके हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई बिल्कुल बराबर रहेगी, आप चेक कर लेंगे। और ये जो हमने कट लगाया है, इस कट से थोड़ी नीचे घुमाकर इस तरीके से उतार देंगे। ये देखें, तो अब क्या करेंगे, अब हम कुर्ते के सीधी साइड में आते हैं। तो देखिए दोस्तों अब बारी आती है टांकी बांधने की। ये जो प्लेट्स पड़ती है यहाँ से, तो वो इस तरीके से आती है। अब आप टांकी सीख लीजिए, टांकी कैसे बांधी जाती है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही अच्छे अच्छे टेलरिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। कि कुर्ते की ये सीधी साइड है, तो देखिए हमने पट्टी तो पहले ही मोड़ दी है, सिलाई से रुकी हुई है, ठीक है। अब ये जो कट लगा है यहाँ बिल्कुल जड़ में देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो यहीं से हमको इस तरीके से पट्टी को पलटना होगा बिल्कुल बराबर से। आप यहाँ भी देख लेंगे एक बार चेक करके, ये देखें इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये इसकी प्लेट्स बन चुकी है, अब हम टांकी बांध लेते हैं। तो टांकी कैसे बांधनी है, तो देखिए हमको इसको यहाँ से इस तरीके से कट करना होता है। तो आप दोबारा से देख सकते हैं, ये देखें इस तरीके से हमने यहाँ बिल्कुल बराबर से इसको पलट दिया है इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, ये जो कट लगा है इस कट से तकरीबन 1 या 2 सूत ऊपर के लिए इस तरीके से निशान लगाना है यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से टांकी बांधनी है चौकोर, थोड़ी सी तिरछी टांकी बांधनी है। यहाँ से इस तरीके से तिरछा लाएंगे थोड़ा, और यहाँ से तकरीबन 1/2 इंच नीचे को लाएंगे, और यहाँ से तिरछा करके टांकी बांध देंगे इसकी यहाँ से। और ध्यान रखना है आपको, यहाँ से भी चेक कर लेना है, ये जो हालर होता है इसका, यहाँ से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए इस तरीके से, देख सकते हैं। तो अब हम टांकी बांधना शुरू करते हैं इसकी। तो यहाँ पर बिल्कुल छोटी सिलाई चलाएंगे दोस्त। तो आप देखिए थोड़ा सा तिरछा करेंगे, आप चाहें तो चौक से निशान भी लगा सकते हैं इस तरीके से। हम अब हमने ये जो सिलाई लगाई है, इस पट्टी से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो नीचे से पट्टी वाला कपड़ा है, सिलाई इसके ऊपर से नहीं उतरनी चाहिए। 1 या 2 टांके पहले ही रोक लेना है, और इस तरीके से घुमाएंगे। ये देखें थोड़ी तिरछी टांकी है ये, तकरीबन 1/2 इंच नीचे को लेकर आएंगे इसको, और इस तरीके से घुमाएंगे। ये देखें, उसके बाद हम बाद इस पट्टी की किनार पर सिलाई को रोक लिया है हमने, और यहाँ पर लाकर हम पक्का कट उतार देंगे, अच्छे से पक्का करेंगे यहाँ पर। ये देखें दोस्तों हमारी प्लेट्स वाली पट्टी बन चुकी है, जो ओल्ड जेंट्स कुर्ते की प्लैकेट पट्टी होती है, तो ये वही पट्टी है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है। और ये जो कच्ची सिलाई दिख रही है, लंबी सिलाई है,
काज बटन करने के बाद ये सिलाई बाद में आप हटा देंगे, उखेड़ देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।